ये स्मार्ट ब्रेसलेट है, लेकिन आप इसे स्मार्ट वॉच भी बोल सकते हैं, जिसका नाम है 116 प्लस, जो एक वाटरप्रूफ फिटनेस स्मार्ट वॉच है। इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज है, जैसे टाइम तो मिलेगा ही, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका स्टेप्स काउंट करेगा, मतलब इसमें पेडोमीटर है, इसके बाद आपने कितना कैलोरी बर्न किया है, आपका हार्ट रेट कितना है, और स्लीप मॉनिटर, ये सब ऑटोमेटिकली करता रहेगा। और ये सब डाटा आप अपने मोबाइल में इस स्मार्ट ब्रेसलेट के ऐप में आप सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। ये रहा पैकेट, उसके अंदर एक बॉक्स मिला है, और देखिए इसके ऊपर लिखा है स्मार्ट ब्रेसलेट, पीछे कुछ नहीं है। चलिए इसको भी खोलते हैं। तो खुल गया, तो सामने का ऐसा है, और पीछे लिखा है स्पेसिफिकेशंस। तो चलिए इसको भी खोलते हैं, इसके अंदर है स्मार्ट ब्रेसलेट। तो ये रहा, और ये रहा यूजर मैनुअल, और बक्से में कुछ नहीं है। तो यहाँ है स्ट्रैप्स और मेन डिवाइस, तो निकालते हैं। तो ये रहा स्ट्रैप्स, और ये रहा वो मेन डिवाइस। इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शाइनी लुक है, और इसके पीछे हार्ट को मॉनिटर करने के लिए सेंसर्स है। चलिए अभी इसका प्रोटेक्टिव प्लास्टिक फिल्म को निकाल लेते हैं। वाओ, कितना चमक रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टर्मिनल है, और उसे यूज़ करके ही हमको इसको चार्ज करना पड़ेगा। उसके लिए आप कोई भी मोबाइल चार्जर ले सकते हैं, और मोबाइल चार्जर के USB पॉइंट में आपको ये डालना है। अभी मैंने बोर्ड में लगा दिया है, अभी चार्ज होगा। देखिए चार्ज हो रहा है, तो इसको चार्ज होने देते हैं। तो अभी जो स्ट्रैप्स मिला है वो देख लेते हैं। ये इसमें थोड़ा सा पैटर्न्स है जो मुझे अच्छा नहीं लगा, अगर पूरा स्मूथ होता तो एप्पल वॉच के साथ मैच और भी करता। देखिए फुल चार्ज हो गया है, अभी ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन हो गया, लेकिन टाइम थोड़ा सा अलग दिखा रहा है। अभी मैं चार्जर से निकलता हूँ, अभी स्ट्रैप्स लगाना है। उसके लिए स्ट्रैप्स को थोड़ा दबा दबा कर डिवाइस पे लगाया जाता है, लेकिन फिर से चार्ज करने के लिए फिर से निकालना पड़ेगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। स्ट्रैप्स लगने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए अभी इसको पहनते हैं। वाओ, एक सेकंड के लिए तो ये एप्पल वॉच जैसा ही लग रहा है। टाइम देखने के लिए नीचे का राउंड बटन में टच करना है। स्क्रीन 2-3 सेकंड ही रहता है, फिर से दबाना पड़ेगा। सेम बटन को बार बार दबाकर आप इसके अलग अलग मेनू को देख सकते हैं, और मेनू के अंदर जाने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है। मैं मोर मेनू में जा रहा हूँ, जहाँ एक QR कोड मिला। इसको अब मैं मोबाइल से स्कैन करूँगा, और इस ब्रेसलेट के ऐप को डाउनलोड करूँगा। तो ये है ऐप स्मार्ट ब्रेसलेट फिट प्रो, चलिए इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल हो गया, इस ऐप को ओपन करेंगे। तो ये रहा ऐप, इसमें क्या क्या है पहले मुझे देखना होगा। ओ हाँ, पहले ब्रेसलेट को कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ एक सेट का ऑप्शन दिखा मुझे, यहाँ पे ब्रेसलेट को बाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें क्लिक करूँगा। सर्च कर रहा है, हाँ आ गया, LS719 दिखा रहा है, इसमें भी क्लिक करूँगा। तो कनेक्ट हो चुका है, और टाइम भी सिंक हो गया है मोबाइल के साथ। तो अभी आप लोगों को मैं ऐप दिखा देता हूँ, ऐप में क्या क्या है। ये देखिए, ये मेन स्क्रीन है, यहाँ पे दिखा रहा है कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया है, कितना कैलोरी बर्न हुआ है। यहाँ पे टारगेट है जिसको आप सेट कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे जो हार्ट रेट मॉनिटर है, वहाँ पे क्लिक करने से आपको पूरा डिटेल्स दिखाएगा, आपका हार्ट रेट कितना था, ब्लड प्रेशर कितना था, सब कुछ दिखा रहा है इसमें। आप घड़ी को पहन के यहाँ पे स्टार्ट मेजर दबाइए, तो आपका मेजरिंग शुरू हो जाएगा। नहीं तो आप अपने ब्रेसलेट में जाके ये जो है हार्ट रेट मॉनिटर, इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पीछे ये जलना शुरू हो जाएगा, और इसको आप जस्ट पहनना है। ये पहनने के बाद आपका मेजरिंग ये शुरू कर देगा। उसके बाद नीचे है ये स्लिप वाला ऑप्शन, तो उसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पे अभी कुछ डाटा नहीं है, क्योंकि मैंने पहन के नहीं सोया था। यहाँ पे आपको दिखाएगा आपको डीप स्लिप मिला है कितना, आपको लाइट स्लिप कितना मिला है, और ये एबेक सब कुछ आपको दिखाएगा हमें। तो ये था पहला, मैं स्टेप में था, मैं अभी सेकेंड में जा रहा हूँ।
सेकंड में है सेट, सेट में है एक फाइंड का ऑप्शन है, जब फाइंड को मैं दबाऊंगा तो वहाँ पे ब्रेसलेट है वहाँ पे, वो देखिएगा वो वाइब्रेट होगा, देखिए वाइब्रेट हो रहा है, देखिए वाइब्रेट हो रहा है, मतलब ऐसे आप अपने ब्रेसलेट को ढूंढ सकते हैं। और ब्रेसलेट में भी वही ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाएंगे लास्ट ऑप्शन जो है ये देखिए फाइंड द फोन, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो देखिए अभी फोन बज रहा है, मतलब आप इस ब्रेसलेट से अपने मोबाइल को ढूंढ सकते हैं, मोबाइल से ब्रेसलेट को ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे रिमोट टेक फोटो ऑप्शन भी है, इससे क्या होता है आप फोटो ले सकते हैं। अभी ये जो आ रहा है अभी मैं ब्रेसलेट से दबा के फोटो ले सकता हूँ, देखिए फोटो उठ गया। और इसमें ऊपर कैमरा का आइकन है, उसको दबा के आप अपना सेल्फी भी ले सकते हैं। मोबाइल को आप कहीं पे दूर में रख लिया, अभी स्मार्ट वॉच को दबा के मैं फोटो ले सकता हूँ, देखिए सेल्फ टाइमर है 3 सेकंड का, तो फोटो उठ गया है, मैं इसको दबाता हूँ और यहाँ पे फोटो उठना शुरू हो जाता है। तो मोबाइल को आप कहीं दूर पे रख सकते हैं और रिमोटली अपना ब्रेसलेट को एज ए रिमोट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जाता हूँ, ये देखिए मैसेज ऑप्शन है यहाँ पे स्मार्ट वॉच में, और यहाँ मोबाइल में भी मोबाइल ऐप में मैसेज पुश का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जब जाएंगे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है SMS आप ब्रेसलेट में देख सकते हैं, उसके बाद WeChat है, Facebook है, Twitter, WhatsApp, Instagram, आप सभी का मैसेज इस स्मार्ट वॉच में पा सकते हैं। इसके बाद मैं तीसरा ऑप्शन में जा रहा हूँ मोशन में, ये देखिए स्टार्ट का बटन है, आप इसको स्टार्ट करके देखिए वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और बाइक में भी ये काम आएगा। तो ये मैंने यूज़ नहीं किया है, आप कर सकते हैं। तो इतना ही था ऐप में। तो अभी घड़ी में क्या क्या मेनू है वो भी आपको दिखा देता हूँ। पहली बार दबाने से टाइम दिखता है और ये होम स्क्रीन है, यहाँ पे आपको दिखेगा डेट टाइम एंड वीकडेज। उसको दोबारा दबाने से अभी दूसरा मेनू में मैं चला गया, यहाँ पे आपको दिखा रहा है स्टेप्स कितना है, उसके बाद कैलोरी कितना बर्न हुआ है वो सब दिखाता है। उसके बाद तीसरा मेनू में जा रहा हूँ, ये है हार्ट रेट मॉनिटर, इसको यूज करके आप अपना हार्ट रेट देख सकते हैं। इसके बाद ये है स्पोर्ट्स का मोड, इसको अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसके अंदर जा सकते हैं, देखिए स्टेप्स का है पहला वाला ऑप्शन, उसके बाद स्किपिंग का है, सिटअप का है। तो उतना ही था स्पोर्ट्स के अंदर। नेक्स्ट मैसेजिंग जो मैंने बोला था आपको, यहाँ पे आपको सब कुछ मैसेज मिल जाएगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, SMS सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद ये है मोर का ऑप्शन, यहाँ पे ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा पहली बार में। इसके बाद ये है रिमोट कैमरा जो मैंने आपको बोला था, इसको दबा के आप फोटो ले सकते हैं। और इसके बाद है ये वाला फाइंड द फोन, इसको दबा के आप अपने फोन को ढूंढ सकते हैं। और इसके बाद क्या है, नहीं है, उतना ही मेनू था, मतलब इस स्मार्ट वॉच या स्मार्ट ब्रेसलेट में इतना ही मेनू है। और इसमें ये जो टाइम दिखाता है वो 12 आवर नहीं तो 24 आवर का क्लॉक आप सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये होम स्क्रीन पे आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये 24 आवर में चला गया है, अभी फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये 12 आवर में चला गया है। और टाइम देखने के लिए आपको बार बार दबाने का भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाथ को थोड़ा हिलाइए और टाइम आ जाएगा, स्क्रीन ऑन हो जाता है हिलाने से। और ये दूर से देखने से एप्पल वॉच जैसा ही लगता है। तो है ना दोस्तों, ये कमाल का, मेरे ख्याल से आपको ये पसंद आ गया होगा। वैसे तो मैं इसे गिव अवे करने वाला हूँ, लेकिन उसका विनर होगा सिर्फ एक। तो अगर आप इसे अभी खरीदना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका दाम है 700 से नीचे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, जल्दी ही मिलेंगे एक दूसरे रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।